थी कि एक बार विष्णु जी नींद में थे, दैत्यों ने बहुत कथा सुना रहे उनको हैं, दैत्यों ने बहुत उपद्रव किया, तो देवता पहुंचे कि विष्णु जी तो सो रहे हैं, तो एक कीड़े से कहा कि तू विष्णु जी की नींद तोड़ दे। तो कैसे तोड़े? बोले तू धनुष बाण सिरहाने रख के सो रहे हैं विष्णु जी, तो तू धनुष की डोरी काट दे। तो तू डोरी काटेगा तो धनुष छूटेगा, धनुष छूटेगा तो इनकी नींद टूट जाएगी, विष्णु जागेंगे तो संहार करेंगे। कीड़े ने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले यज्ञ का भाग देंगे, इसलिए जब आप यज्ञ करते हैं तो वमी का भी एक भाग होता है। उसी समय एक झटके से वो धनुष की डोर टूटी, कीड़े ने काटा और ऐसी टूटी कि भगवान विष्णु का मस्तक कटा और जाके गिर गया, गिर गया समुद्र में। ऐसा कथा तो यूं है कि फिर उसको नया मस्तक लगाने के लिए एक घोड़े का मस्तक ब्रह्मा जी ने काट के लगाया, तो भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और उस हयग्रीव अवतार ने हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा। अब सवाल ये हुआ कि ऐसा क्यों हो गया? तो देवी जी प्रकट हुई, सबने पूछा विष्णु जी का मस्तक क्यों कट गया? देवी जी ने कहा सब कुछ लीला विधान के अनुसार चलता है, अपने आप कुछ नहीं होता, एक घटना घटी है उसके कारण विष्णु जी का मस्तक कटा। तो कौन सी घटना घटी? अब जरा घटना सुनना ध्यान से, क्यों विष्णु जी का मस्तक कटा? तो घटना सुनाई गई कि एक दिन विष्णु जी अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए और उसी समय ग्रंथकार ने श्लोक लिखा, उद्धदे स्तनयाम विष्णु संस्थिता मंती के प्रियाम जहास वंदनम वीक्ष तस्यातस्तत्र मनोरमम। इस श्लोक का अर्थ सुनिए। ये श्लोक कहता है कि एक बार अपने समीप बैठी हुई प्रीतमा लक्ष्मी जी का चित्ताकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े, व्यंग से विनोद से अपनी पत्नी का सुंदर मुखड़ा देख के इन्होंने थोड़ा व्यंग से मुस्कुराए, बस लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी ने कहा आप मेरा प्रयास कर रहे हैं, तो जिस मुंह से आप मेरा प्रयास कर रहे हैं एक दिन ये मस्तक उड़ जाएगा। लो इतना गुस्सा हो गई, ये ऐसे छेड़छाड़ अकेले में उल्टी सीधी कभी नहीं करना चाहिए। मैं कुछ मन से नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है। विष्णु जी की हालत देख ली आपने तो क्यों उपद्रव करते हो? अकेले में अपने जीवन साथी के साथ विनोद तो करो, व्यंग मत करो, ठिठोली करो, लेकिन एक दूसरे का अपमान मत करो। तो विष्णु जी ऐसे देख के हंस दिए थे, इनको भी गुस्सा आ गया। बताइए इतना तेज गुस्सा आता है जीवन साथी को, खोपड़ी उतर जाए। चलो अपन इस विषय में भी गहराई से नहीं जाते, आगे कई प्रसंग आएंगे, पर अभी इतना समझ लेना, इस कथा में कुछ संकल्प लेना है ना, तो कभी भी एकांत में अपने जीवन साथी का परिहास नहीं करना। हास करिए, एक दूसरे को हंसाइए, लेकिन एक दूसरे पे व्यंग की टिप्पणियां न करें। ये रिजल्ट आ जाता है, देख लो आप विष्णु जी के साथ आए, मस्तक उतर गए, फिर क्या करें एकांत में? तो मुस्कुराने को मना नहीं है, इसलिए तो सारी लीला यही कहती है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के घरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, और जब अकेले एक साथ हो तो क्या करना है? जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए, हंसिए, लेकिन व्यंग न करें, अपमान न करें, क्रिटिक ना हो, प्रेम से बात करिए। इसलिए हरिओम। तो देवी जी कहती हैं इस कारण भी ये मस्तक हुआ और हयग्रीव राक्षस को ये वरदान था कि कोई हयग्रीव ही मारेगा, तो मस्तक आके लगा। अब देखिए इस ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि किससे कौन जुड़ा है। हयग्रीव राक्षस को ये वरदान था कि कोई हयग्रीव ही तुम्हें मारेगा, तो अब हयग्रीव कौन बनेगा? तो विष्णु बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? तो मस्तक उतरेगा। तो मस्तक कैसे उतरेगा? कि कीड़ा धनुष काटेगा, लेकिन इसके पीछे भी एक शाप लगा है तभी उतरेगा, नहीं तो क्या कीड़े के उससे उतरता? तो जीवन इसी का नाम है, कनेक्टिविटी चेन है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज ए चेन। आपके जीवन की इस घटना का संबंध कहीं और है, पर हम नहीं जान पाते, परमात्मा जानता है। इसलिए अपन कभी कोई अनिष्ट हो जाता है तो अपन कहते हैं अरे भगवान क्यों कर दिया, अरे उसके एक आध साल, दो साल, दस साल बाद समझ में आता है, ओ ठीक किया, भगवान जो करता है
अच्छा ही करता है, उसका लीला का सिस्टम है, अपने साथ नहीं छोड़ रहा तो हमको आपको क्यों छोड़ेगा। देखिए कितने सुंदर ढंग से भगवान ने अपनी ही व्यवस्था समझाई है। इसलिए भगवान अपनी लीला से हमको उदाहरण देता है कि भैया एकांत में पति पत्नी बैठे हो तो एक दूसरे का मान करिए।